अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट फामिया, हम लोग इस इवेंट पे आए हैं जो कि एक्सपो में हो रहा है, जो हसार बाज़ार ने और मेड इन पाकिस्तान ने मिलके किया है। हम लोग इस वक्त ड्यू हर्बल स्किन केयर के स्टॉल पे हैं। ये कंपनी के बारे में हम और जानते हैं, इनकी ओनर से, वो कब से काम कर रही है, सब कुछ हम उनकी ओनर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। तो आप पाकिस्तान में कब से काम कर रही हैं और इस कंपनी का मेन आइडिया क्या है, और आप अपने बारे में अपना कुछ बता दें, आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से जो ये प्रोडक्ट हैं ड्यू की, जो ड्यू स्किन केयर है, ये मोर देन 30 ईयर से पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा है। हर्बल प्रोडक्ट हैं। इसका जो बेसिक मेन थीम था वो ये था, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशन हूँ और मैं सैलून में जो है वो क्लाइंट्स का जब काम करती थी, तो हर क्लाइंट की जो है वो डिमांड होती है ब्लीच। तो जब हम फेस पे ब्लीच लगाते थे, स्किन पे बर्निंग हो जाती थी, स्किन बर्न हो जाती थी, इचिंग, रैश, खारिश, आंखों से पानी, लेकिन मजबूरी थी कि क्लाइंट की डिमांड होती थी, ब्लीच नहीं करे तो उसको लगता है कि फेशियल नहीं हुआ। तो मेरी जो थी कोशिश होती थी कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ों की मिक्सिंग के साथ क्लाइंट को एक अच्छे रिजल्ट दूँ, जिसमें मैं फ्रिज में से अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई हर्ब्स को जो है वो मिक्स करके, तो मैं वो वाली चीज़ें क्लाइंट्स पे अप्लाई करती थी और बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट आते थे, क्लाइंट हैप्पी होता था। तो बहरहाल इसी रिसर्च ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्यू की बुनियाद रखी, इसको फिर मॉडिफाई किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान नंबर वन ब्रांड है अमोनिया फ्री स्किन पॉलिश। तो माशाल्लाह से इसकी काफ़ी कॉपियां बन चुकी हैं, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी फार्मूलेशन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू हर्बल एक्सपर्ट की, ड्यू स्किन केयर की अपनी है, और मोर देन 100 माशाल्लाह से जो है वो ड्यू की प्रोडक्ट हैं, और तमाम प्रोडक्ट जो है वो इनके अंदर कोई केमिकल नहीं है, स्टीराइड नहीं है, नेचुरल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उनके ऑयल्स और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उससे जो है वो रिज़ल्ट लिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में इसका जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्किन केयर में अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है। अच्छा, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये बता दें कि अगर उन्हें ड्यू परचेज करनी हो तो उन्हें वो कहाँ से मिल सकती है? हाँ जी बिल्कुल, आजकल आपको पता है ऑनलाइन दौर है, आप फेसबुक पे जाके या हमारे पेज पे ड्यू स्किन केयर, चाहे गूगल पे आप सर्च करें, फेसबुक पे डालेंगे DEW ड्यू स्किन केयर या नैयर ज़िक्रिया, क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तकरीबन 30 साल से डिफरेंट चैनल्स पे आपने मेरे मॉर्निंग शोज़ देखे होंगे, हर्बल ब्यूटी टिप्स जो है वो चलते रहते हैं, मेरा टिकटॉक आईडी भी नैयर ज़िक्रिया के नाम से है। तो आप ड्यू के पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे इसकी वीडियोस भी मिलेंगी और प्रोडक्ट भी मिलेंगी। हमारे साथ ड्यू स्किन केयर की CEO तो मौजूद थी, साथ साथ दी पर्पल स्किन मिरेकल की भी बहुत यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं, और मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो को लेके, अपने बिजनेस को लेके, वो कैसे चला रही हैं, वो क्या करती हैं, और उनका नाम वगैरह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं आपकी कंपनी का नाम क्या है और आप कौन सी ऐसी स्किन केयर अपनी लाइन आगे लेके जा रही हैं, उसका मेन आइडिया क्या है? बेसिकली मेरा नाम रमशा बिनत ज़िक्रिया है, मैं बाय प्रोफेशन एस्थेटिशियन हूँ। तो जब मैं स्किन ट्रीट करती हूँ अपने क्लाइंट्स की, तो ये बहुत देखने में आता है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बट उन्हें होता है डे क्रीम, नाइट क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, बट उससे स्किन सही होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके अलावा अब जो है वो सीरम्स का ज़्यादा दौर है। सीरम्स का क्यों दौर है? इसमें वो इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं जो आप इनटेक भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सीरम इनटेक करने चाहिए, बट येस, जैसे कि B12, B5 वो ऑलरेडी इन सीरम्स में डलते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सेफ़ टू यूज़ हैं। अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम्स, तो उसमें किसी चीज़ को उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। जैसा कि ये हमारा हाइड्रो बूस्ट सीरम है, आजकल आपने सुना होगा बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन है, पानी ज़्यादा नहीं पीते, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रो बूस्ट में हाइड्रोलिक और नियासिनामाइड है। ये आप कह लें स्किन के लिए बेस्ट है, किसी को कुछ भी पसला नहीं है स्किन में, लेकिन ग्लो नहीं आता है, तो हाइड्रो बूस्ट यूज़ करें और आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, ग्लो आएगा और मॉइस्चर रहेगी। तो इसी तरह मेरे बाकी सीरम्स भी उस टेक्निक से बने हुए हैं कि स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और साथ स्किन और ज़्यादा हेल्दी हो।
आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये भी बता दें कि इतने अच्छे सीरम्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे? द पर्पल स्किन मिरेकल बाय रमशा आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं जो मुझसे ये बाय करके अपने सैलून पे सेल कर रही हैं। तो अगर आप ब्यूटिशियन हैं और अपने सैलून पे रखना चाहती हैं तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो जो कंज्यूमर हैं वो अपनी ब्यूटिशियन से भी पूछ सकते हैं कि अगर उन्होंने ये रखा है। इनकेस नहीं है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं और द पर्पल स्किन मिरेकल का जो भी सीरम है वो आप बाय कर सकते हैं। मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सीरम यूज़ कर रहे हो वो मेरे लिए भी सूटेबल हो। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को फ्री स्किन चेकअप देती हूँ। उनकी स्किन देख के उन्हें बताती हूँ कि कौन सा सीरम या कौन सा इंग्रेडिएंट उन्हें यूज़ करना है और कौन सा नहीं यूज़ करना। तो उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली वो इन सीरम्स में से कोई एक सीरम बाय कर सकते हैं द पर्पल स्किन मिरेकल के इंस्टाग्राम पेज से। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो हमारे व्यूअर्स, ये कंपनी 30 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। इसको आप परचेस करें, अपने व्यूज़ हमें बताएं, आपके व्यूज़ हम लोगों के रिव्यूज़ शेयर करें, ऑनलाइन शेयर करें। और कॉन्टेक्ट करने के लिए आप इनको ड्यू हर्बल के नाम से ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो डू शेयर योर रिव्यूज़। थैंक यू।